मम्मी का लास्ट झूठ क्या था? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पकड़ा ये बहुत सच्चाई है तो झूठ नहीं बोलता। हाँ। पकड़ा था। लोग नाराज हो जाते हैं इससे, सच बोलता है। अच्छा मानी से शादी की सालगिरह पे क्या गिफ्ट दिया? मानी ने शादी की सालगिरह पे क्या गिफ्ट दिया था? मानी ने मुझे आईफोन दिलाया था। अब तक हीरा कितने फोन तोड़ चुकी हो? अब तो नहीं तोड़ती। पिछले 7 महीने में 5 आईफोन हमारे घर में पड़े हुए हैं। हाँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद वो मैंने डिलीट की थी इंस्टाग्राम से। हमारे 5 फोन पड़े हुए हैं, बड़े महंगे महंगे। किसी को चाहिए फोन है तुम्हारा? किसी को चाहिए टूटा हुआ फोन? मैं कहती हूँ हीरा फोन कहाँ गया? इसने फेंके? हाँ यूँ कर देती है ठाक और टूट जाता है। नहीं मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, गुस्से में करती है। किस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है? बला 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 है नो? किसको? तो मैं और किसको, उसका थोड़ी पूछ। मुझे किस बात पे गुस्सा ज्यादा आता है? मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। बिल्कुल, तभी आप 7 महीने में 5 फोन तोड़ चुकी हैं। लेकिन वो 5 दफा ही गुस्सा है। अच्छा, मतलब जब गुस्सा आता है हम लोग होते हैं फोन छुपाओ फोन छुपाओ। मैं चेंज, मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं आता? नहीं, अब नहीं आता। योगा कर रही हो क्या? योगा कर रही हूँ मैं, पिलाटेस करती हूँ। अच्छा, टेंशन में सबसे ज्यादा सबसे पहले किसको फोन करती हूँ? टेंशन में सबसे पहले अल्लाह ताला को कॉल करती हूँ, जान नमाज में जाके खड़ी हो जाती हूँ। मैं किसी को कॉल नहीं करती, डायरेक्ट अल्लाह। मैं बहुत, मैं नमाज बेस्ट हल है हर टेंशन का, ये तो हकीकत, हर घबराहट का। तो मानी की किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मानी की बात, मानी सबसे ज्यादा अनोइंग, जब मैं तैयार हो रही होती हूँ और ये बिल्कुल यहाँ खड़ा होता है, लाइनें टेढ़ा कर देता है और यूं देख रहा हूँ, मानी मैं तैयार हो रही हूँ जरा साइड पे हो जाओ, तो मुझसे कुछ होता नहीं है। घर में किसका हुक्म चलता है? मानी का। हाय हाय, चलता है। आप दोनों में से कौन ज्यादा पैनिक, हमेशा पैनिक होता है? मैं बहुत बड़ी पैनिक औरत हूँ।